उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के संगम तट पर बसी आध्यात्मिक नगरी माघ मेले में तीसरी आंख से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, जिसके लिए 200 से अधिक कैमरों की मदद ली जा रही है, जिससे आपराधिक या आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके तथा भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। पूरा जो माघ मेला 650 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उन पर नज़र रखी जा रही है। और आप देख रहे हैं कि ये जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है 24/7 ऑपरेटिव है, लगातार यहाँ पर पुलिसकर्मी व्यवस्थापित हैं जो कि 24 आवर्स अपनी निगाह रखते हैं। सारे कैमरों की फीड यहाँ पर आ रही है और उसके माध्यम से जो भी हमारे आगे आने वाले पर्व हैं या जो कल्पवासी यहाँ प्रवास कर रहे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। ये सीसीटीवी के माध्यम से हम लोग जो क्राउड मैनेजमेंट का काम है, जो श्रद्धालु प्रबंधन का कार्य है, वो बखूबी कर सकते हैं। जो सारे मेले क्षेत्र के प्रवेश द्वार हैं वो सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित हैं। इससे हमको ट्रैफिक फ्लो पता लग जाता है कि कहाँ पर हमको डाइवर्जन की आवश्यकता है या जो हमारे पार्किंग प्लेसेस हैं वहाँ पर पार्किंग की क्या स्थिति है, क्या वो पार्किंग भर गई है तो हम नेक्स्ट पार्किंग पर उनको शिफ्ट कर सकते हैं। इस प्रकार ये ICCC एक्टिवेटेड है और इससे महत्वपूर्ण जानकारियाँ संकलित करके हम लोग माघ मेले को सक्षम और निर्विघ्न सम्पन्न कराने के लिए कटिबद्ध हैं। उच्च गुणवत्ता और क्षमता वाले कैमरे से संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। इन कैमरों में बहुत सारे ऐसे कैमरे हैं जिन्हें जूम करके किसी भी कार की नंबर प्लेट तक पढ़ी जा सकती है। साथ ही सॉफ्टवेयर की मदद से संदिग्ध हलचल को छांटकर अलग किया जा सकता है। माघ मास पौष पूर्णिमा स्नान के साथ प्रारंभ हो चुका है और दो पर्व हमारे सकुशल संपन्न हो गए हैं, जिसमें कि पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के पर्व संपन्न हुए हैं। आसन्न पर्व में सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या का है जो 21 तारीख को है। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं, जल और थल दोनों में व्यवस्थाएँ अच्छे ढंग से की गई हैं। ड्रोन कैमरों के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से, जल में रिवर पुलिस के माध्यम से, SDRF के माध्यम से, NDRF के माध्यम से, प्रशिक्षित गोताखोरों के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं, श्रद्धालुओं का सुगम आवागमन हो इसकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। इस कार्य के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है जो 24 घंटे लगातार चलता है। मेले के सभी प्रवेश द्वार के साथ संगम और अन्य स्थानों पर यह कैमरे बड़े काम के हैं। अगर किसी तरह भीड़ ज्यादा हुई तो तत्काल सूचित कर देते हैं, जिससे भीड़ नियंत्रण के लिए कदम उठाए जाते हैं। माघ मेले का सबसे बड़ा मुनि अमावस्या का स्नान आने वाला है, ऐसे में सुरक्षा की तैयारी में यह कैमरे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।